यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो ये भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लेके कुछ भी व्रत ना जाए तो ये भी अन्नदान है। गणित हमें यह नहीं सिखा सकता खुशी को कैसे प्लस किया जाए, उदासी को कैसे माइनस किया जाए, लेकिन गणित हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि हर समस्या का हल है। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतीक्षा जस सम्मान उसकी छाया, लेकिन विडम्बना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। प्यार सम्मान और अपमान एक प्रकार का निवेश है, जितना आप दूसरों को देंगे उससे कई गुना अधिक वापस मिलेगा। नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जीवन भर साथ देगा। यदि कोई आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालीज पर नहीं। तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म एवं प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है, इसलिए सदा प्रसन्न रहिए। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। किसी की मदद करते वक्त उसकी नजरों में मत देखना, क्योंकि उसकी नजरें आपके मन में अहंकार पैदा कर सकती है। ये दूसरे से पद और सम्मान के आकांक्षी न बने। परमात्मा ने पैदा करके हमें जो सम्मान दिया है उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। खुशियाँ, इज्जत और सुकून जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। ईश्वर आपकी जिंदगी में इन तीनों में से किसी एक की भी कमी न होने दें। हर पल खुश रहे।